गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डेफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो स्टूडेंट्स? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे हैं। एंड आप लोगों को जो भी चैप्टर्स कंप्लीट होते जा रहे हैं, धीरे लगभग 5-6 चैप्टर आप लोगों के क्लास 8th में कंप्लीट हो गए हैं, आप लोग उनको स्टडी भी कर रहे होंगे। और जो बच्चे लेट जुड़े हैं उनके लिए भी मैंने एक सॉल्यूशन निकाला था, जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो जो बताया था, उनके लिए एक यूट्यूब चैनल तैयार किया गया साइंस का। इसको मैं नाम राइट कर देता हूँ, मैं कुमार प्रवीण झा। आप इसको YouTube पे सर्च करिएगा, जहाँ पर आपको क्लास 8 से रिलेटेड जितने भी साइंस के वीडियो लेक्चर ई कंटेंट अभी तक तैयार हुए वो सभी आपको इस चैनल पे प्रोवाइड हो जाएंगे। उसके अलावा जो भी आपको चैप्टर्स कराए जा रहे हैं वो भी इस वीडियो पे अपलोड, इस YouTube चैनल पे अपलोड किया जाएगा, ताकि आप लोगों की जो भी स्टडी वगैरह कोई चैप्टर रहा है अनकम्प्लीट रहा है वो आप इन सभी चैनल पे देख सकें। तो चैनल को देखिएगा भी, सब्सक्राइब भी करिए और अपनी स्टडी को भी पढ़ी। उसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप वहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए चैप्टर नंबर 18 चल रहा था अपन लोगों का, और इसमें आप लोग ऐसा करिएगा पेज नंबर 349 निकालिएगा स्टूडेंट, पेज नंबर 349। ठीक है स्टूडेंट्स, 349 में टॉपिक है अपना वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, लास्ट टॉपिक है, आज आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। हम इसमें पानी को साफ करने के तरीकों के बारे में जानेंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स फिजिकल्स केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। पानी को साफ करने के, जल को साफ करने के कई सारे मेथड हो सकते हैं, देन फिजिकली रूप से, केमिकली रूप से, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी हम कर सकते हैं। कौन कौन से हैं, आइए उनको पॉइंट्स के थ्रू हम लोग जानते हैं। At first, wastewater is passed through the bath screens. Large objects like sticks, cans, plastic packets are removed. पहले क्या किया जाता है, गंदे पानी को लाया जाता है, उसमें जो ऐसे कचरे होते हैं ना, सॉलिड कचरे, उनको अलग करके छाना जाता है पहले, समझ रहे हो, जैसे हम छन्नी से चाय को छानते हैं ना, ऐसे उन कचरों को अलग किया जाता है। द वाटर इज देन पास थ्रू ए ग्रिड चैम्बर इन विच इज सैंड इज रिमूव्ड। फिर पानी को कलेक्ट किया जाता है, जिसमें जो भी डस्ट पार्टिकल्स, सैंड वगैरह, बजरी वगैरह रहते हैं वो गंदगी नीचे बैठ जाती है। फिर देन द वाटर इज अलाउड टू सेटल ए लार्ज थिंग, फिर उस पानी को दूसरे टैंक में सेटल किया जाता है। सॉलिड मटेरियल सेटल एट द बॉटम, जो ठोस पदार्थ है कुछ समय में नीचे बैठ जाते हैं, गंदगियां भी नीचे बैठ जाती है। Then the water is transferred to the next tank having a skimmer. फिर उस पानी को फिर next tank में डाला जाता है। The skimmer removes floating soils and oil and grease. फिर उसमें जो तेल वाले कण होते हैं, ग्रीस वगैरह, गंदगी चिकनाई मिली हुई रहती है, फिर इसको अलग किया जाता है। Next, air is pumped through water in air irrigation tank to help aerobic bacteria to grow. The bacteria consume unwanted matter that still remains in water. फिर water में जो भी bacteria वगैरह होते हैं उनको remove किया जाता है। The treated water has very low level of organic material and suspended matter it is discharged into a river. फिर उस पानी को नदी में डाल दिया जाता है। इस प्रकार से वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट प्लांट भी जगह जगह शहरों में लगाए जाते हैं, ताकि पानी को साफ किया जा सके, गंदगी को दूर किया जा सके। तो इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 350 पर आइएगा, आपको माइंड मैप दिया गया है। इस माइंड मैप के थ्रू अभी तक इस चैप्टर में हमने जो इन भी चीजों को पढ़ा है उन चीजों का रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक बार रिवीजन करिएगा और सभी चैप्टर्स को आप लोग बारी बारी से, सभी इस चैप्टर के सभी पार्ट्स को आप लोग बारी बारी से देखिएगा। दूसरी बात, जहां तक क्वेश्चन आंसर की बात है, मैंने चैप्टर नंबर 13 के भी क्वेश्चन आंसर आप लोगों को सेंड कर दिए हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको एक दो दिन में पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दूंगा। अदरवाइज आप लोग खुद क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिए, टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो तो लगभग 25 वीडियो लेक्चर इस चैप्टर के मैंने तैयार किए हैं, सभी वीडियो लेक्चर आपको YouTube चैनल पर भी प्रोवाइड हो जाएगा। 25 वीडियो में अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ था। इस प्रकार से आप लोग स्टडी करिए, पढ़ाई करिए, फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम मिलेंगे एक अच्छे चैप्टर के साथ, ठीक है। तो मेहनत करिए, मन लगा के पढ़िए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।